चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। यह पेज नंबर है 191 पे, मिसलेनियस है, ये मिसलेनियस का पार्ट है। और ये एनसीईआरटी जो बुक वन है मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन y1 + y√ + y1 + x√ = 0 दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि डीवाई बाई डी एक्स जो है ये हमको मिलेगा -1/(1+x)2। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, हमको जो दिया हुआ है, सिंस गिवन है हमको, जो हमको गिवन है, हम लोग गिवन से ही काम करते हैं। x 1 + y√ दिया हुआ है ना, +y 1 + x√ = 0 दिया हुआ है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x 1 + y√ = -y 1 + इसको उस बार ले गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स, तो हमको कितना x 1 + y√ होगा, ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, -y 1 + x√ इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 + y। ओके, और यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा तो 1 + x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, x² + x²y हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² + y²x। अब हम सबको लाएंगे लेफ्ट साइड में, x² + x²y - y² - y²x = 0। चलिए, और हम क्या करेंगे, x² - y² इसको हम एक साथ रख लेते हैं प्लस, और यहाँ से xy हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना x - y, नहीं ये हमारा नेगेटिव है, = 0। अब यहाँ से हम x + y और इसको x - y तो हम लिख ही सकते हैं, क्लियर ना, और यहाँ से x - y = 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x + y (x - y) = -xy और x - y, इसको तो हम कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, सिंस x ≠ y, x और y इक्वल नहीं है, इसलिए कैंसिल होगा। अगर ये इक्वल होगा दोस्तों तो 0/0 कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। x और y इक्वल नहीं है इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। दिस फर्दर इम्प्लाइज x + y = -xy। दिस फर्दर इम्प्लाइज x = -xy - y। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस वाई हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो x + 1 अंदर बचेगा। सो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे सर, तो ये हो जाएगा, ये x है, तो y कितना मिलेगा यहाँ से, -x/(1+x), हमको मिला y, ये हमको मिल गया 1। अब क्या करते, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको हो जाएगा dy/dx = ये नीचे का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले आके छोड़ देंगे, और नेगेटिव तो बाहर है ही, और 1 का डेरिवेटिव dy/dx(x) - x को छोड़ेंगे dy/dx(x+1), क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, नेगेटिव तो बाहर है ही, और ये 1 + x बचेगा, (x)(1) हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x। क्यों, क्योंकि 1 + x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1 + x² होल स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ये फर्दर, ये बच जाएगा -1/(1+x)2। ये हो गया हमारा dy/dx, यही था जो हमको प्रूफ करना था। यहाँ थोड़ा आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 1 + x, और x का डेरिवेटिव कितना 1 हो जाएगा, इसको गुना कर दो 1 + x, तो x + - कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/(-1+x)2। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमको यहाँ हमको दिया हुआ है, हमको यही प्रूफ करना था। तो चलिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसको और देख लीजिएगा, इजी है। और कोई और दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, है ना। और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं, बहुत ही जल्दी हम आगे आपके साथ कोई नया वीडियो लेकर के हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।